अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ बी कोर्स का लेक्चर नंबर 32 है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 31 में हमने उसका पार्ट वन किया है, और उससे रिलेटेड उससे पहले हमने टॉपिक सीखा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट टू देखेंगे। टोटल इसके 8 पार्ट हैं, तो आज हम इंशाल्लाह 5 और 6 पार्ट तक इसको कंप्लीट करेंगे, देन हम इंशाल्लाह इस तरह से मूव ऑन करते जाएंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं पार्ट टू। पहले पार्ट में हमने किया था कॉस रेज 4, अब सेकेंड पार्ट में हम कर रहे हैं साइन रेज 4 थीटा, ठीक है। तो साइन है चूंकि, तो हमें इमेजिनरी पार्ट को हासिल करने के लिए हमें पता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ लिख के कि हमारे पास लेट हम करते हैं सबसे पहले एक्स बराबर होता है किसके, कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा के, और दिस इम्प्लाइज अगर 1/x इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है। जब हम इन दोनों को ऐड करते थे तो हमारे पास 2 टाइम रियल पार्ट मिलता था, ठीक है। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन है साइन, और साइन क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट को के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन हमारी 1 है और दूसरी जो है हमारी इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एक्स माइनस 1/x अगर करें तो फिर हमें साइन मिल जाता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मिलता है। तो किसके बराबर होता है, 2 एओटा साइन थीटा के, और इसको अरेंज करके अगर लिखा जाए तो साइन को हम राइट लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। 2 एओटा साइन थीटा बराबर है एक्स माइनस 1/x के। अब स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है उसमें पावर 4 नजर आ रही है, तो हमें यहाँ पे पावर साइन की 4 बनानी होगी। तो पावर 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। अब बोथ साइड टेकिंग पावर 4th ऑन बोथ साइड, हमने पावर 4 ले ली, और लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, 2 की पावर 4 अलग कर ली, एओटा रेज 4 हमने अलग कर लिया, और साइन रेज 4 थीटा अलग कर लिया। और यहाँ पे जो राइट साइड पे है वो हमारे पास, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए, जैसा कि हमने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 में किया, सिमिलरली आपने कोफिशियंट बाइनोमियल के जो है पहला और आखिरी 1 होता है, उसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके काफी सारे मेथड हैं, तो जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। देखिए एन 4c0 पहला कोएफिशिएंट 1, और ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास p है और ये हमारे पास q है, तो p पार 4 आ जाएगी, q की पार हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमने इन जनरल सीखा था, सेकेंड कोएफिशिएंट है 4c1, 4c1 कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 1 होता है, और यहां से एक पावर कम करते जाना है, p की पावर कम करते जाना है, और q की जो पावर है बढ़ाते जाना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 4c2, तो 4c2 कैलकुलेटर पे 6 आएगा, ठीक है, और इसकी पावर एक कम कर दी, 2 आ गया, और जो हमारे पास q है ये 1/x, इसकी पावर बढ़ा दी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इमेजिनरी पार्ट के लिए एक चीज गौर करनी है कि इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास दरमियान में क्या होता है, माइनस होता है, इन दोनों को हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो इस माइनस का भी ख्याल रखना है, ये पूरा जो है माइनस के साथ 1/x, ठीक है, माइनस भी आप साथ में लिखेंगे, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों का ख्याल रखना है।
ठीक है, जो हमने पार्ट नंबर वन किया था वो तो चूंकि पॉजिटिव था सारा, उसमें कुछ इश्यू नहीं था। अब यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है तो आपने इस नेगेटिव को भी साथ लेके चलना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कॉमन ले लिया, पावर फोर एक साइड पे कर ली, पावर टू सिंप्लीफाई करके हमने एक साइड पे कर ली, और जो कोएफिशिएंट थे उनको एक साइड पे कर लिया। अब हमें ये रिजल्ट पता है कि दोनों को जब ऐड करते हैं तो टू टाइम, क्योंकि अब दरमियान में तो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए हमें दोनों को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट यानी कॉज मिलता है टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज आ गया, ठीक हो गया। और ये जो पावर होती है वो एंगल में चली जाती है, तो यहाँ पे जो फोर था फोर थीटा एंगल में चला गया, जिस तरह हमने अपना पार्ट नंबर वन किया था। तो इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, जो चीज कॉमन आ रही है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल आउट करके ये फाइनल राइट साइड पे जो है हमारा आंसर हो बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पार्ट नंबर टू है। इसी तरह से पार्ट नंबर थ्री फोर एंड ये फाइव तक आई थिंक ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आप लोग खुद करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने दो पार्ट किए। साइन का आ जाए तो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉज आ जाए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐड करने हैं, पावर का ख्याल रखते हुए, पावर सिक्स है, पहले हमने फोर पावर की, अब पावर सिक्स है तो हम बोथ साइड पावर सिक्स ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये आपकी प्रैक्टिस में है, ये आपका होमवर्क है, ये पावर सिक्स है तो आपने बोथ साइड पावर सिक्स लेके और सिक्स के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सपेंड करना है बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कोस का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर फोर है क्वेश्चन टेन का, कोस रेस सेवन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोस की पावर दोनों तरफ पावर सेवन लेंगे। और पार्ट फाइव में हमारे पास है लास्ट वन है ये पार्ट आज के लेक्चर का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मजीद आगे पार्ट करेंगे, टोटल एट है। तो यहाँ पे साइन रेज नाइन है, बोथ साइड पावर नाइन लेके तो बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, कॉमन लेना है, जो भी स्टेप्स हैं मैंने आपको सिखाए वो स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को माइंड में रखना है कि पहला स्टेप है देखना है साइन है हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए कि इमेजिनरी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एड या सब्ट्रैक्ट। सेकेंड स्टेप है पावर क्या है, तो वो पावर दोनों तरफ ले लेनी है। थर्ड स्टेप क्या है, आपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए इनको एक्सपेंड करना है। एंड लास्ट वन स्टेप है सिंप्लीफाई, कॉमन जो चीजें आ रही हैं, जो पावर सिमिलर है उसको एक तरफ लिख लिया, कॉमन को कॉमन ले लिया, ठीक है, इन सारी चीजों का ख्याल करते हुए तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।